दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राय चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लोगों का ये सवाल होता है कि हम क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी SBI क्रेडिट कार्ड को। देखो, एक SBI क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के कई तरीके हैं। आपको ये वेबसाइट है sbicard.com की, यहाँ पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे जो अधिकारी घूमते हैं, जो एजेंट लोग होते हैं, शॉपिंग मॉल में मिल जाएंगे, बैंक के बाहर मिल जाते हैं, तो उससे भी आप अप्लाई करा सकते हैं। वहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि इंस्टेंट डिस्काउंट भी हो, मतलब इंस्टेंट KYC आपका हो जाता है, जिससे आपका कार्ड जल्दी मिलता है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो हमारे अधिकारी एक आए, वीडियो KYC भी करते हैं, या फिर डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं एड्रेस वेरीफिकेशन के लिए। तो ये सब करना होता है। और एक सवाल होता है, क्या SBI कार्ड और टाटा कार्ड दोनों सेम है? तो ये बात सही है। टाटा कार्ड जो है, tatacard.com इसकी वेबसाइट है, SBI कार्ड ही देखता है, SBI ही दोनों मैनेज करता है। मतलब दोनों कार्ड ही, टाटा कार्ड हो या SBI हो, दोनों ही SBI के हैं। टाटा कार्ड अपना खुद का कोई अलग से कार्ड नहीं बनाता, वो SBI ही बनाती है, और उसका कस्टमर केयर भी सेम है, अलग नहीं है। तो इसमें आप कन्फ्यूज ना रहे, अगर आप टाटा के एम्प्लॉय हैं या टाटा कार्ड लेना चाहते हैं तो tatacard.com की वेबसाइट पर चले जाइए। और मैं बता दूँ कि tatacard.com का कोई मोबाइल ऐप नहीं है, इसकी सारी गतिविधि या सारा कंट्रोल आप जो है वेबसाइट पर जाकर ही कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पे sbicard.com की, sbicard.com में आपको कौन सा कार्ड लेना बेहतर है, कौन सा नहीं लेना बेहतर है, ये आपको एक बार जानना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी स्पेंड के अनुसार ही क्रेडिट कार्ड आपको फ़ायदा दे सकता है या लाभ है नुकसान उससे आप ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट जाने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना रहेगा। अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत से कार्ड दिख जाए। देखो यहाँ पे 33 कार्ड दिख रहे हैं। 33 कार्ड में यहाँ पे आपको सबसे पहले आ रहा है पल्स कार्ड, कैशबैक कार्ड, सिंपली क्लिक कार्ड। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको बहुत से और भी कार्ड मिलते हैं, जैसे कोई बैंक का बेनिफिट है, जैसे यूको बैंक हो गया, और भी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बहुत से ऐसे बैंक है जो खुद बैंक, मतलब अपना कार्ड प्रोवाइड नहीं करते, मैं इशू नहीं करते, लेकिन वो बिहाफ पर करवाते हैं। तो ये पार्टनर्स में दिख जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि आपको स्पेंड कितना है और आप कितना खर्च करते हैं, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो ये पल्स कार्ड के अगर हम बारे में बात करें, तो पल्स कार्ड में यहाँ लर्न मोर नीचे लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो इसके सारी बेनिफिट यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो 5,999 का वाउचर मिलता है ज्वाइनिंग गिफ्ट, जब आप जो है इसको एनुअल फी पे करते हैं उसके 15 से 20 दिन में। आपको जो है नॉइस कलर फिट पल्स वॉच यहाँ पे दिया गया है। इसके बारे में कई कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि आप जो घड़ी दे रहे हैं उसका प्राइस तो कम है। तो उसका प्राइस कम है तो आपको 1,799 मान लीजिए इसका प्राइस है, तो आप इसके बदले तो आप 1,499 ही पे कर रहे हैं, ये भी तो ध्यान दीजिए। तो ये ज़्यादा लॉस नहीं है, फिलहाल गोनॉइस की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ये स्मार्ट है वॉच है, ये आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 2,999 इसका प्राइस है फिलहाल अभी के लिए, और ये जो है आप ले सकते हैं पल्स वॉच, यहाँ पे दिखा रहा है 4,999 की इसकी वैल्यू थी। ये ही वाला स्मार्ट वॉच है, इसमें आप देख पाएंगे तो इसमें स्पेसिफिक क्या क्या है, रिव्यू क्या क्या है, यहाँ पे सारी पोथी पत्रा यहाँ पे है जो कि कोई नहीं पढ़ता, फिलहाल आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अगला ऑप्शन आता है कि अगर आपका स्पेंड 2 लाख से ज़्यादा है साल का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप वेवर ऑफ एनुअल फी ऑन एनुअल फी स्पेंड ऑन 2 लाख इन द ईयर, अगर आप पूरे साल में 2 लाख से ज़्यादा खर्च कर लेंगे तो आपका एनुअल फी वापस कर दिया जाएगा। एनुअल फी वापस क्रेडिट कार्ड कैसे करता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आप कार्ड इशू करेंगे, मतलब आपको मिलेगा, तो पहले बिल में ही आपको एनुअल फी लग के आती है। अब उसके वो बात अलग है कि आपको वेलकम गिफ्ट मिलता है, बाकी सारी चीज़ें बेनिफिट मिलती हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। तो ये एनुअल फी आपको वापस आएगा अगले साल, अगर आप इसका क्राइटेरिया पूरा करते हैं 2 लाख का मान लीजिए, तो अगले साल पहले एनुअल फी लगेगा। जो एनुअल फी लगता है आने वाले साल का लगता है, तो जिस समय लगा था उसी समय दोबारा लगेगा, उसको आप पेमेंट करेंगे तो उसके अगले बिल में पिछले साल का एनुअल फी वापस आता है। मतलब आपको जो एनुअल फी रिवर्सल आता है नेक्स्ट बिल में आता है एनुअल फी लगने के। तो कुछ कस्टमर बोलते हैं एनुअल फी तो वापस आ गया है, इसको पेमेंट करना है कि नहीं करना है, तो आपको पेमेंट करना है एज पर स्टेटमेंट, आपको पेमेंट करना है टोटल अमाउंट, और जो आपको रिवर्स आएगा वो नेक्स्ट बिल में आपके एडजस्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। यहाँ पे और भी बेनिफिट हैं, आप रिवॉर्ड पॉइंट्स के बेनिफिट भी दे सकते हैं। आप जो है केमिस्ट या फार्मेसी, डाइनिंग, मूवी खर्च करेंगे 100 पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, अदर कहीं भी खर्च करेंगे 100 पे जो है 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अब कोई इसमें पल्स कार्ड में 8 जो है
डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस भी मिल जाता है पर क्वार्टर 2 बजे, जिसमें आपको इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस नहीं मिलता, लेकिन मेंबरशिप मिलती है 99 फर्स्ट ईयर के लिए। तो इसको जो है अगर यूज करेंगे तो उसका चार्ज लगता है प्रायोरिटी पास का, बाकी मेंबरशिप फ्री मिल जाती है इसमें। तो ये सब इसमें है। आपको दूसरे कार्ड के बारे में हम बताएंगे। सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला SBI क्रेडिट कार्ड है सिंपली सेव या सिंपली क्लिक, या अभी कैशबैक कार्ड भी मान लीजिए। कैशबैक कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप नए यूज करते हैं, अगर आपका सिविल अच्छा है तो कैशबैक कार्ड ले लीजिए। इसमें क्या है कि 5% कैशबैक मिलता है आपको हर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर, तो ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है 5% कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड विदाउट एनी मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन। किसी भी मर्चेंट कैटेगरी पर आप खर्च कीजिएगा, आपको जो है ऑनलाइन है तो आपको 5% मिलेगा। 1% कैशबैक आपको ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पर भी मिलता है। तो ये कार्ड आपके आजकल बहुत ही नया लॉन्च हुआ था, तो इसका जो है पहले साल तो फ्री रहेगा, दूसरे साल आपको 999 प्लस GST आपको चार्ज लगेगा। अगर आपका 2 लाख स्पेंड होता है तो उसकी अगले साल मतलब एनुअल फी लगने के अगले साल आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, आपको इस हिसाब से आपको देखना है कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। जैसे हम सिंपली क्लिक की बात करें तो इसमें लर्न मोर कीजिए, तो यहाँ पे अगर आपका खर्च जो है 2 लाख से ज़्यादा है तो सिंपली क्लिक आपके लिए परफेक्ट कार्ड हो सकता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। इसमें क्या है कि आप जो है जैसे ही आप एनुअल फी पे करेंगे 500 का अमेजन गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। ऑनलाइन स्पेंड पर इसके पार्टनर पे खर्च करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इसके पार्टनर हैं ये सब एक्सक्लूसिव पार्टनर्स लिखा हुआ है, पोलो है, बुक माई शो है, क्लियर टिप है, डोमिनोज है, इजी डिनर है, मिंत्रा है, नेटमेंट है, यात्रा है। पहले यहाँ पे आपका जो है अमेजोन भी था, अमेजोन का भी पार्टनर से लिस्ट से हटा दिया गया है या हट गया है, अब क्या हुआ हो तो वही जाने। फिलहाल यहाँ पे अभी नहीं आया, वो पार्टनर का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे पार्टनर खर्च करेंगे 100 पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, आप कहीं और खर्च करेंगे 100 पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देखिएगा यहाँ पे आपको बेनिफिट भी मिलता है। अगर 1 लाख खर्च करेंगे तो आपको एनुअल फी तो वापस आएगा ही, साथ ही आपको 2000 का क्लियर ट्रिप का वाउचर मिलेगा। 2 लाख कंप्लीट करने पे आपको अलग से 2000 का वाउचर मिलता है और वाईफाई कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ आता है। 1% फ्यूल सरचार्ज आपको वेवर मिलता है 500 से 3000 के बीच अगर आप खर्च करते हैं तब। तो ये बेनिफिट भी अच्छा है। और आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट है, रिवॉर्ड पॉइंट आपका अमेजोन की गिफ्ट वाउचर या क्लियर ट्रिप के वाउचर जो भी अवेलेबल रहेगा आप उसमें जो है रिडीम कर सकते हैं। बाकी सिंपली से वो कार्ड भी बहुत अच्छा कार्ड है। और अभी ये कार्ड मैं आपको बता दूं कि अभी एक जो रुपे गेटवे है इसको कार्ड को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। हर कस्टमर आता है तो उसको उनको जो है रुपे कार्ड चाहिए होता है, हर 10 में से 2 कस्टमरों को रुपे कार्ड चाहिए होता है। क्योंकि अभी क्या है, रुपे कार्ड ने भारतीय जो RBI है या भारत सरकार ने रुपे कार्ड से ट्रांजेक्शन फ्री कर दिया है। मतलब आप स्कैन करके कहीं भी UPI पे कीजिए, जैसे आप UPI करते थे फोन पे, गूगल पे, इन सब से करते थे भीम से, तो जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड के ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं मोबाइल ऐप से स्कैन करके हर मर्चेंट पे QR पे, उसमें आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता है। आप नॉर्मली आप रेंट पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से तो आपको जो है थर्ड पार्टी चार्जेस लेती है और 199 प्लस GST आपको बैंक की तरफ से अलग चार्ज लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपके पास यहाँ पे रुपे कार्ड मिल जाता है तो आपके लिए बेहतर कार्ड साबित हो सकता है। यहाँ पे आपको रुपे कार्ड के पर्सनल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो ये वीजा कार्ड है, ये मास्टर है, ये मास्टर है। रुपे कार्ड के लिए आपको यह यहाँ पे देखना रहेगा, रुपे कार्ड के लिए आप स्पेशल उसको जो है अगर आप करेंगे तभी आपको यहाँ पे मिल सकता है, उससे भी वो बैंक डिसाइड करती है तो आप उसमें डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे IRCTC का रुपे प्लेटिनम है, अगर आप इसको लेते हैं तो आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करेंगे इस कार्ड से हर महीने की 2 तारीख को आपके लॉयल्टी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको जो है इस रुपे कार्ड है तो इसको स्कैन करके पे भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। कंप्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च एक्सेस भी आप ले सकते हैं 1 ईयर के लिए, ये क्वार्टर में एक ही बार विजिट कर सकते हैं। तो AC टिकट आप बुक करेंगे 10% वैल्यू बैक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो कि वो रिवॉर्ड पॉइंट बराबर 1 रुपया भी होता है। तो यहाँ पे जो है अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। लैंडमार्क की बात मत कीजिएगा, लैंडमार्क अभी बंद हो गया है, फिलहाल आप रिडीम नहीं कर पा रहे हैं, आउटलेट पे जा रहे हैं वहाँ भी समस्या हो रही है। फिलहाल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा लैंडमार्क रिवॉर्ड लैंडमार्क वाला कार्ड आप अप्लाई करें अभी के लिए, आप 1-2 महीने में इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। और आपको जो है और भी कार्ड जो आपको अच्छा लगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आपको कार्ड का बेनिफिट लेना है तो 2 चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकालना है। कैश निकालेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सी चार्जेस लग जाएंगे। सबसे पहले तो प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, यहाँ पे अगर आपको देखना है चार्जेस के बारे में, फीस एंड चार्जेस
SBI कार्ड आप जो है लिख कर सर्च कर लीजिए, जो वेबसाइट आपको खुलेगी यहाँ पे SBI कार्ड लिख दीजिएगा, वेबसाइट आके आ रही है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, आप फीस एंड चार्जेस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है कैश एडवांस का फीस यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले तो अगर आप कैश निकालते हैं तो आपको जो है 500 मिनिमम या 2.5% अमाउंट का प्लस GST आपको चार्ज लग जाएगा। ये तो होगा प्रोसेसिंग फी, और उसके बाद कैश आप निकालेंगे तो आपको जो फाइनेंस चार्ज लगेगा वो 3.5% प्लस GST लगता है उस अमाउंट पे जो आप निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत एकदम डू एंड डाई वाला समस्या हो तभी आप निकालिएगा, नहीं तो क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने से बचिएगा, ATM से पैसा आपको नहीं निकालना है। और जो आप पैसा निकाल रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, आप उसका पेमेंट करते हैं तब तक आप बिल भरेंगे तो क्लियर ही नहीं होगा उसकी। अगर आप ATM से 10 रुपया भी निकाल लिया तो आपको करंट आउटस्टैंडिंग पूरा जीरो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो है वो कैश अमाउंट सेटल्ड होगा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर और कोई समस्या है आपको तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।